सात साल लगभग प्रदेश में और 9.5 साल लगभग देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने प्रयागराज को 2014 के पहले भी देखा है, 17 के पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जमीन और आसमान के बीच के फासले को तय करने का प्रयास किया है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो प्रयागवासी स्वप्न देख रहे होंगे उससे अच्छा प्रयागराज बनाएंगे। मैं इसमें इतना ही कहता हूं कि अभी तो जो कुछ प्रयागराज का विकास देख रहे हैं ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। चुनाव लड़ने की बात, रिंग रोड के 2 पैकेज के टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, बाकी आगे चल रहा। हाँ, फूलपुर से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात, चाहे जो लड़ने जी, कमल खिलेगा, लड़ने वाला कोई लड़े, आप भी लड़ लो। 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति? 2024 80 में से 80 उत्तर प्रदेश से देश में 300 पार भाजपा की और 400 पार एनडीए की सीटें रहेंगी। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। किस तरह से आप सरकार देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे, लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। देश के अंदर 12.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया। देश के अंदर 52 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोलने का काम किया। 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया। पीएम स्वनिधि केवल अकेले प्रयागराज में लगभग 50,000 लोगों को केवल मोदी जी की गारंटी पर आधार कार्ड के आधार पर बैंकों से लोन मिला है। छोटी छोटी अपनी दुकानें चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे नए महापौर बने गणेश केसरवाणी जी, उनकी अगुवाई में 1 लाख नए वेंडिंग जोन के बना करके दुकानें बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उन लोगों ने काम नहीं किया इसलिए बातें कर रहे हैं, सिगुफे छोड़ रहे हैं, फर्जीगिरी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा ने किया था, भाजपा कर रही है, भाजपा करेगी मोदी जी के नेतृत्व में। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई जो सवाल उठा रहे हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके दोषी को पकड़ करके उनके खिलाफ कानून सम्मत कठोर कार्रवाई की गई थी, की जा रही, आगे की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, जो क्या है, जो मैंने कहा, जाति जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ, लेकिन जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो सत्ता में थे तो जिन जातियों की बात कर रहे हैं उन जातियों के लिए क्या किया? वो क्यों गरीब रह गए? वो क्यों अनपढ़ रह गए? वो क्यों रोजगार से भी रह गए? उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? उसका अगर कोई अपराधी है तो सपा बसपा कांग्रेस। आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? आप भी चुनाव भी नाराज थे, प्रयागराज की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी ने सभी थानों से किया था, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर नहीं, जहां पर जहां समीक्षा हुई होगी, जहां गड़बड़ी होगी उस पे तो सरकार ध्यान देगी। अब वो पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है, जब होगा पकड़ जाएंगे तो आपको दिखा देंगे। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं फूलपुर से? हम तो 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। विद्युत पोल शिफ्ट करने नहीं, उसका रोड में देखिए, कभी भी कोई भी चौड़ीकरण चलता है तो यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम होता है। कोई विभाग पीछे है, कोई विभाग आगे, वो कर रहा होगा, लेकिन कोई दुर्घटना ना होने पावे, विकास का काम लेट भी ना होने पावे, जैसे बक्सी बांध के पुल में हमें देर हो गई, तो इस प्रकार की देरी ना हो इसको ध्यान में रख करके निर्देश दिए। कुंभ को लेकर क्या निर्देश दिए गए आज बैठक? कुंभ को लेकर के एक ही कुंभ की दृष्टि से जितनी भी परियोजनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की हैं और चाहे वह स्टेट पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे सेतु निगम के हैं, चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा है, चाहे नगर विकास के द्वारा है, चाहे लोक निर्माण विभाग के द्वारा है, वह सारे कार्यों की एक कटाप लाइन तय करें। मैं अक्टूबर महीने प्रतीक्षा करूंगा, नवंबर के महीने में फिर बैठक करूंगा, लेकिन प्रयागराज के जितने आज के निर्देश दिए गए हैं वो सारा मिनट्स नोट किया गया है। अगली बैठक में मैं एक एक बिंदु पर समीक्षा करूंगा और समीक्षा करके कोई विभाग अगर अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। अच्छा, वायुसेना दिवस यहाँ पहली बार मनाया जाएगा प्रयागराज? ये तो गौरव की बात है प्रयागराज के लिए। मैं वायुसेना दिवस प्रयागराज में मनाए जाने के लिए बधाई देता हूँ और प्रयागराज के लोग जिनको लोगों को सुविधा मिल जाएगी वहाँ जाएंगे, नहीं तो प्रयागराज का पूरा आकाश वायुसेना
के दिवस के अवसर पर हमारे जो सेना के वायुसेना के जहाज होंगे उनसे पूरा प्रयागराज एकदम छाया रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।